धान खरीद के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने 15 नवंबर को दिल्ली कूच करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए किसानों के बीच हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। 13 नवंबर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस कार्यकर्ताओं, किसान नेताओं और किसानों के साथ दिल्ली कूच करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई राज्यों में सभाएं भी करेंगे। 5 तारीख से क्रमबद्ध आंदोलन चल रहा है और हम लोग 10 तारीख को जिला स्तर पर धरना देंगे। 12 तारीख तक जितने भी किसान हैं छत्तीसगढ़ के, किसानों का जो आवेदन पत्र हम संकलित करके हम कूच करेंगे। 13 तारीख को हम लोग दिल्ली के लिए कूच करेंगे और हम लगभग 50,000 से अधिक किसान और 1,000 से अधिक गाड़ियों के साथ हम दिल्ली में धरना प्रदर्शन करेंगे। केंद्र सरकार ने धान की MSP 1,815 रुपए प्रति क्विंटल तय की है। राज्य सरकार किसानों से बोनस पर 2,500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदना चाहती है, लेकिन केंद्र सरकार ने बफर स्टॉक का हवाला देते हुए सेंट्रल पूल में धान खरीद से इनकार कर दिया। राज्य सरकार अब केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगा रही है। नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ सरकार के साथ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री के साथ भेदभाव कर रहे हैं और चावल लेना बंद कर दिए हैं। तो मैं आग्रह करना चाहता हूं टीवी के माध्यम से, किसानों के तरफ से, आम जनता की ओर से, जो चावल छत्तीसगढ़ से केंद्र सरकार लेता था पुल के माध्यम से, उनको लिया जाए। एक तरफ भूपेश बघेल सरकार दिल्ली कूच करेंगे, उसी दिन विपक्षी दल BJP ने भी राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया है। BJP भूपेश बघेल सरकार पर किसानों से वादा खिलाफी का आरोप लगा रही है। राज्य के जो आर्थिक हालात खराब है, इसलिए धान खरीदी से बचने के लिए किसानों को बरकलाया जा रहा है और जबरदस्ती केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगा के अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। हम मांग करते हैं कि पूर्व की भांति 15 नवंबर से धान की खरीदी किया जाए। धान खरीद को लेकर सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ऐसे में राज्य की बघेल सरकार पर किसानों के साथ किया वादा पूरा करने और धान खरीदने की चुनौती होगी। छत्तीसगढ़ के रायपुर से धीरेंद्र गिरी और धमतरी से नंदकिशोर साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट स्वराज एक्सप्रेस।